हाथों में, अपनी नापरस्तियों में गरीब आवाम का नुकसान क्यों किया जाता है। जनाब अली, मेरे हल्के में पिछले दौर में दो यूनिवर्सिटी कैंपस मंजूर हुए थे, एक गर्ल्स कॉलेज यूनिट गोसल कौड़ी में, उसका जिक्र आपके हुकूमती मेंबर ने भी कल अपनी स्पीच में किया है। जनाब अली, उस तलीमी इदारों को तो चलने दें, उन्होंने क्या गुनाह किया है? वो आपके साथ वोट का मुकाबला तो नहीं कर रहे, वो पार्टीबाजी नहीं कर रहे, वहां पे तो बच्चे पढ़ेंगे, उसमें पीटीआई के बच्चे भी पढ़ेंगे, उसमें मुस्लिम लीग के भी पढ़ेंगे, पीपल्स पार्टी और जमीयत के भी पढ़ेंगे। जनाब अली, उस इलाके में एक टनल मंजूर, उसका टेंडर भी लग गया है, उगी टनल, और मैं आपके नोटिस में ये जाऊं, वो टनल जाती है जहां पे, वहां पे आपके एक वफाकी वजीर पीटीआई के दो सेनेटर और एक एमपीए उसके आगे रहते हैं, आपने उस टनल का काम भी बंद कर दिया है। जनाब अली, मैं अपने आपसे कोई, इस हुकूमत से मैं कोई नया मंसूबा नहीं मांगता, लेकिन खुदा रहा पिछली गवर्नमेंट के दिए हुए जितने भी मंसूबे हैं उनको तो न रोका जाए, नहीं एक गरीब अलग पानी के मसले हैं। और मेरे जनाब अली, एक बात, सिर्फ एक बात, जनाब अली, मेरे हल्के में तहसील दरबान का इलाका है, पूरा तरबेला झील उस पर है, उस इलाके के अवाम ने अपनी जमीनें और उनके कब्रिस्तान आज उस पानी के नीचे हैं, लेकिन वहां पे बिजली की वोल्टेज इतनी कम है, इतनी कम है कि वहां पे पंखा भी नहीं चल सकता। खुदा के लिए, मुझे उमर अयूब साहब ने दो साल ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा कि हम वहां पे इस सिस्टम को ठीक करेंगे, लेकिन आज भी वहां पे एक पंखा भी नहीं चल सकता, इतनी बड़ी जी वाइंड अप जी वाइंड अप। मैं तो मैं आज इस ऐवान के थ्रू जनाब अली, मैं बिजली की वजारत से ये अपील करता हूं कि दरबान के अवाम की वोल्टेज को पूरा किया जाए, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, उनके अबाव अजदाद की कब्रें भी आज उस पानी के नीचे हैं। थैंक यू जी। थैंक यू।